Hey guys, welcome to my channel ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है। और इसकी जो नोट्स है वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले जो रेडिएशन के बारे में हम देखते हैं कि रेडिएशन जो है वो एक इमिशन या फिर ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो इसमें जो जनरली जो एनर्जी होती है वो वेव्स या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है ट्रांसमिट होती है या फिर एमिट होती है। इसके बाद में है कि जो स्टेरिलाइजेशन, जब हम रेडिएशन को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है इसमें, वो जो रेडिएशन है वो हीट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करती है इसके अंदर, इसलिए हम जो है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं इसको। इसके बाद में है कि उसके वेवलेंथ के बेसिस पे और पेनिट्रेशन पावर के बेसिस पे रेडिएशन को कैटेगराइज किया गया है दो भागों में, एक तो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है आयनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे पहले हम अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें रेडिएशन मेथड की, तो रेडिएशन जनरली क्या करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, रेडिएशन के द्वारा जो है जो डीएनए सिंथेसिस और रिपेयर जो प्रोसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इंटरप्शन कर देती है। उसके बाद में है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर वो ब्रेक हो जाता है और डीपोलमराइज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और या फिर इसमें म्यूटेट हो जाता है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके बाद में है फर्स्ट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में अगर हम पढ़ें, तो सबसे पहले इसकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है, और ये जो है वो जो हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं और जो एसेप्टिक फिलिंग रूम होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है यूज होती है रेडिएशन। इसके बाद में है कि जब रेज या फिर जो एनर्जी है जब बैक्टीरिया के थ्रू पास होती है, तो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है सेल का, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को। इसके बाद में ये जो डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है डीएनए को, और इससे जो एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे एग्जांपल है थाइमिन डाइमर्स। इसके बाद में है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसको भी इंटरफेयर करती है रेडिएशन। इसके बाद में है जिससे कि जो डीएनए होता है इससे ओवरऑल डैमेज हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके बाद में अगर हम सोर्सेज की बात करें कि जो रेज या फिर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होती है दो तरह की रेज, एक तो होती है अल्ट्रावायलेट रेज जो कि वाइटली बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और दूसरी है इंफ्रारेड रेज आईआर रेज। सो गाइस, अब जो सेकेंड मेथड है वो है आयनाइजिंग रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली चार्ज्ड पार्टिकल्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस, इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होती है गामा रेज से। और उसके बाद में है कि इसके अंदर जो रेडिएशन आती है रेज आती है वो होती है एक्स रेज, गामा रेज और कैथोड रेज, जिनका जो लेथल एक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है डीएनए के अंदर, और अदर जो वाइटल सेल्स कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके लिए भी ये हाईली लेथल होती है। इसके बाद में है जो फर्स्ट हमारी रेज है वो है एक्स रेज। इसकी अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है कंसिडरेबल एनर्जी और पेनिट्रेशन पावर होती है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो रेज होती है एक्स रेज वो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसे हम एफिशिएंटली यूज भी नहीं कर पाते हैं। सेकेंड जो तरह की रेज होती है वो होती है गामा रेज। जो गामा रेज होती है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होती है एक्स रेज की कंपैरिजन में। इसके बाद में है कि ये स्टेरिलाइजेशन के लिए आइडियल होती है जो बल्क मटेरियल्स होते हैं जैसे पैकेज्ड फूड, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए आइडियल होती है। इसके बाद में है कि क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है और माइक्रोसाइडल इफेक्ट्स भी उसके अच्छे होते हैं। इसके बाद में जो थर्ड तरह की रेज है वो है कैथोड रेज। इसे हम इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन भी बोलते हैं
और इसे हम जनरेट कर सकते हैं वांडी ग्राफ एक्सेलरेटर के द्वारा, और ये यूज होती है जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट स्यूचर्स होते हैं, प्लास्टिक एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स होते हैं, और नंबर ऑफ जो विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स और हॉर्मोन्स जो कि ड्राई स्टेट में होते हैं, इन सब के स्टेरिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं कैथोड रेस को। गाइस, अब रेडिएशन मेथड की एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला इसमें एडवांटेज है कि ये जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए यूजफुल मेथड होता है, और दूसरा है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होता है, मतलब इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है इस मेथड में, और उसके बाद में है कि ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है जो एयर बॉर्न कंटेमिनेशन होता है उसके कम करने के लिए। उसके बाद में है कि इस मेथड से प्रोबेबली सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, और ये जो है कुछ साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है। इसके बाद में है कि इसमें जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है उसके अंदर जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत कम होती है, एक्सपोज्ड सरफेसेस के ऊपर तक ही लिमिटेड होती है। इसके बाद में अगर हम इसकी एप्लीकेशन या फिर यूजेस की बात करें तो सबसे पहले ये फूड और डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जो कंटेमिनेटेड सरफेसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद में सेकेंड है कि ये यूज होता है जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड, प्लाज्मा और वैक्सीन्स, इनके भी स्टेरिलाइज करने के लिए रेडिएशन मेथड यूज होता है। तो ये इसके जो थ्री एप्लीकेशंस है। सो गाइस, ये था रेडिएशन मेथड स्टेरिलाइजेशन के लिए, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।